और अब जब हीरो की हो ही गई है तो हीरोइन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो ये लो आ रही है हमारी प्ले की हीरोइन जूरी। अब तक वो बीएफएफ के साथ शॉट ऑफ प्राइज। ये भी नई स्टूडेंट दिखती है बिहेव प्रो। ये है सीन टू। जूली यहाँ अपने बीएफएफ के साथ चाय पी रही है अन्नास कैफे। ये वही अन्नास जो हर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर होते हुए भी सबके प्रिय होते हैं, क्योंकि इनके पास वो मिलता है जो पूरे कैंपस में नहीं मिलता। मेरा मतलब उनके हाथ की बनी प्यारी चाय से है। वैसे और बहुत कुछ मिलता है अन्ना के कपड़े से, जैसे काफी लोगों का टेंशन निकल जाता है। हाँ, तो हम सीन की बात कर रहे थे ना। अरे हाँ, ये सीन में जूली चाय पी रही है अपने दोस्तों के साथ और प्रेम उससे बात करना चाहता है। लड़की देखी नहीं, लाइन मारना शुरू, राइट? खुद ही देख लो। तुम यही बच्ची हो ना जो क्लास में? हाँ, तो जैसे मेरा नाम प्रेम है, तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं। वैसे मेरा नाम जोगी है। आई सी, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह खूबसूरत है। तो जोगी ने क्यों? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। Thank you.
Hello, hi Julie, how are you? I'm coming next week. And I have a real big surprise for you. Oh really? That's a very good news, yeah. शादी के बाद ऑफिस रात को ब्रेकफास्ट दे देना। प्रेम ऑफिस से घर आता है और जूली के बिहेवियर में थोड़ा एरोगेंस फील करता है, तो देखो होता है क्या। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोलो ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें एक बात बोलने को समझ नहीं आता क्या? अरे सुबह तो सब ठीक था, अभी क्या हो गया तुम्हें? सुबह ठीक था ना, लेकिन अभी कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तो तुम ऑफिस चले जाती हो, तुम्हें क्या पता पीछे से क्या क्या होता है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, तुम्हारे डैड सुबह से शुरू करते हैं और रात उनकी खत्म ही नहीं होती है। वो चाहिए हाँ तो ठीक है, यही सुबह कोई और कोई है नहीं घर में तो कौन करेगा? कोई और नहीं है तो मैं ही क्यों, काम वाली को ले आओ, मुझे क्यों लेके आए? अरे बस मालूम के भी गिरी पे यूँ ही सुबह में कोई है नहीं घर में तो किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना यार। मेरे से और नहीं होता है, मेरी फ्रीडम ही नहीं है, मेरे को इतने बिल्कुल बाहर जाना होता है, बट मैं क्या करूँ, दम कर पड़ी रहती हूँ। हाँ तो ये आपको एडजस्ट पेन और कितना एडजस्ट करूँ आज, तो तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? चार साल से एडजस्ट कर, नहीं देखा होने कभी और मैं नहीं उनको छोड़ सकता, इट्स इम्पॉसिबल, सॉरी। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं बात करेगा, बात नहीं करना मुझे, अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जैसे कि हमने देखा प्रेम और जूली में जान छिड़ गई है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बस जूली प्रेम ने से पूछा कि आप इतनी एरोगेंट कैसे हो गई।
साथ आपने मेरे साथ से आपका एग्जाम नहीं मिला मेरा मुन्ना